सजदा टूं टूं रटूं टूंगा। चलिए चेन्नई टेस्ट मैच में भारत को जीत मिल गई है और चेन्नई का हिसाब भी बराबर हो गया, सीरीज एक एक से बराबर है, ये बड़ी कामयाबी है। हालांकि टर्निंग ट्रैक था, की पारी में ज्यादा रन नहीं बना पाया, 482 का टारगेट था, 164 रन बनाकर इंग्लैंड लंच से ठीक 25 मिनट बाद ऑल आउट हो गया और 317 रन से भारत ने ये टेस्ट मैच जीता है। सीरीज जैसे मैंने कहा एक एक से बराबर है। अक्षर पटेल को मिली है 5 विकेटें सेकंड इनिंग में, कुलदीप यादव को भी 2 विकेट मिले हैं और रविचंद्रन अश्विन को जो रिकॉर्ड था 10 विकेट लेना मैच में 100 रन बनाना, उससे वो चुप गए। देखिए एक एक कर कैसे इंग्लैंड की विकेट गिरी, 3 विकेट कल ही गिर गई थी। लंच तक उनकी 7 विकेटें गिर गई थी, लेकिन लंच के बाद 25 मिनट बाद 3 विकेट गिर गए हैं। जो रूट ने 33 रन बनाए, can't keep him out of the action for too long. Oh, Ashwin, what a test match he's had. ये बेन स्टोक्स का विकेट था। दरअसल बेन स्टोक्स और जो रूट के बीच एक पार्टनरशिप चल रही थी, लेकिन अश्विन ने बेन स्टोक्स के ऊपर ऐसा हवा क्रिएट किया हुआ है कि उन्होंने 10वीं बार उनको आउट किया टेस्ट क्रिकेट में। उसके बाद तो खैर लाइन ही लग गई। 164 रन पहली पारी में, 134 है दूसरी पारी में, 164 है, यानी कि इस टेस्ट मैच में कुल मिलाकर इंग्लैंड ने 300 रन भी नहीं बनाए हैं। मदन जी हैं मेरे साथ। मदन जी, उम्मीद के मुताबिक लेकिन ये नतीजा भारत को सीरीज में तो बराबर करता है, शायद इंग्लैंड के लिए भी इस टेस्ट मैच में नतीजे के अलावा वो जो बल्लेबाजी का कॉन्फिडेंस आया था वो भी जाएगा। नहीं, डेफिनेटली जब आप टेस्ट मैच हारते हैं तो आपको आपका कॉन्फिडेंस जो है वो घटता तो है ही है, पर मेरे विचार में भारत ने बहुत अच्छा टेस्ट मैच जीता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक एक की सीरीज टेस्ट मैच को जीतना और सीरीज को बराबर करना बड़ा जरूरी है, ताकि अहमदाबाद में वो एक अच्छे माइंडसेट से जा सके। और विराट कोहली के लिए भी मैं कहूँगा कि उनके लिए भी काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि वो थोड़े से इस टेस्ट मैच से शुरू में थोड़े से जरूर उनके ऊपर प्रेशर था, क्योंकि देखिए कैप्टन जो होता है उसका टेस्ट मैच जीतना बड़ा जरूरी है, और खास तौर से तब जब विदेशी टीम आए इंडिया में और आपको पहले टेस्ट मैच में हरा दे, जैसे चेन्नई में ही हुआ था पिछले हफ्ते, आपको याद होगा भारत को मैच हारा उसके बाद पैनिक हुआ। लेकिन ये तस्वीरें हैं, ये जो आखिरी विकेट गिरा, जैसे मैंने कहा अश्विन 3 विकेट पे ही रुक गए, थम गए, अगर अश्विन को 2 विकेटें और मिल जाती तो फिर वो क्रिकेट इतिहास में 4थे ऐसे ऑलराउंडर हो जाते, इयान बॉथम, इमरान खान और साकिब उल हसन के बाद, जिसने एक टेस्ट मैच में शतक भी लगाया हो और 10 विकेटें भी ली हो, कमाल का रिकॉर्ड होता। लेकिन कुलदीप ने आके 2 विकेटें ले ली, उधर अक्षर पटेल ने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में एक पारी में 5 विकेट भी ली हैं। तो ये तस्वीरें, मोइन अली नॉट आउट रहे लेकिन बड़ी कामयाबी जैसे मदन जी कह रहे थे, खास तौर से तब जब भारत पहला टेस्ट मैच हारा था। और अब चेन्नई से आप अहमदाबाद जाते हैं, एक एक से जाते हैं, अगला बॉल पिंक बॉल टेस्ट मैच है अगला, जो शायद इस तरह की कंडीशंस आप रेप्लिकेट नहीं कर सकेंगे, वहां पर टर्निंग ट्रैक नहीं बन सकता, एक सेशन दिन में होता है, 2 सेशन शाम को होते हैं, लेकिन जैसे मदन जी भी कह रहे थे, अब भारत जानता है कि इंग्लैंड को बहुत शानदार खेलना होगा, भारत को बड़ा खराब खेलना होगा, लचर खेलना होगा अगर इंग्लैंड ने आने वाले 2 टेस्ट मैच में से एक भी मैच जीतना है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी मदन जी बड़ा इंपॉर्टेंट था, बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि कम से कम 2-1 से भारत ने ये सीरीज जीतनी थी अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल खेलना था। अब आप सिर्फ इस सीरीज के लिहाज से नहीं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से भी कहेंगे कि भारत ऑन ट्रैक है। हाँ, बिल्कुल ऑन ट्रैक है, क्योंकि इस टेस्ट मैच शुरू होने से पहले इसका भी एक प्रेशर था वर्ल्ड चैंपियनशिप का, क्योंकि देखिए आप इतने नजदीक आके अगर आप मिस कर जाते हैं तो आपको 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 अफसोस जरूर होता है। पर यह है कि अब जो अहमदाबाद, बाकी जो 2 टेस्ट मैच बचे हैं उनमें थोड़ा मैं समझता हूं कि थोड़ा सा भारत का कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ा होगा,
और एक देखने वाली बात यह है कि भारत के बल्लेबाजों ने जो बैटिंग की है उससे भी उनको उनको एक काफी कॉन्फिडेंस मिला होगा, उसके साथ साथ हमारे बॉलर्स वो अच्छे कर ही रहे हैं, और ये डेफिनेटली जब एक अच्छे माइंड से टीम जब मैच टेस्ट मैच में उतरती है तो उसका एक माहौल ही अलग होता है। तो मैं समझता हूँ कि अहमदाबाद में आप देखेंगे कि लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज भी भारतीय टीम की थोड़ी सी डिफरेंट होगी, चाहे वो पिंक बॉल टेस्ट मैच ना हो। अभी तो भारत ने दो टेस्ट मैच खेले हैं पिंक बॉल के, तो उनको भी काफी एक्सपीरियंस यहाँ पर हो चुका हुआ है। पर ये टेस्ट मैच की अगर बात करें, आपने अश्विन की बात कर रहे थे, बहुत बेहतरीन उनका प्रदर्शन रहा है। आपने उसकी अक्षर पटेल की बात की, देखिए जब कोई भी खिलाड़ी डेब्यू करता है तो उसके मन में जरूर रहता है कि मैं अच्छे से अच्छा परफॉर्म करूं, और इससे अच्छा क्या हो सकता है। एक तो कंडीशन आपको सूट किए, उसके साथ साथ आपने 5 विकेट भी निकाले, तो ये एक जब आप टेस्ट मैच में सेटल हो जाते हैं तो आपको बॉलिंग करने का एक आपका एक माहौल ही अलग होता है। आप जैसे अश्विन को देखते हैं बॉलिंग करते हो, कितना कॉन्फिडेंस है वो बॉलिंग करता हो या बैटिंग करता है। आखिरी दिन उसका बॉलिंग का स्कोर, मैं अगर आप जी मैं स्कोर बता देता हूँ आखिरी दिन, क्योंकि 53 आउट से इंग्लैंड आया था आज सुबह बल्लेबाजी करने। 482 का टारगेट था, वो तो आप जानते नहीं होगा। अब ये भी जानते हैं कि यहाँ पर यार उनके लिए 2 दिन बैटिंग करना भी बड़ा मुश्किल था। लंच तक उनके 7 विकेट गिर गए थे, और अगर आप गेंदबाजी पर नजर डालें, ईशान को विकेट नहीं मिला है दूसरी पारी में, लेकिन अक्षर ने 21 ओवर में 60 रन दे के 5 विकेटें ली हैं। अश्विन को 3 विकेटें मिली हैं, 5 नहीं हो पाई सेकेंड इनिंग में, उन्होंने 53 रन दिए हैं, और 2 विकेट मिले हैं कुलदीप यादव को, 6.5 ओवर उन्होंने भी डाले हैं। तो चलिए कुलदीप के लिए भी अच्छा हो गया। अगर इंग्लैंड की बल्लेबाजी की बात करें, रोडी बर्न्स के 25 रन है, डॉन सिबली 3, डैन लॉरेंस ने बनाए हैं 26 रन, और लीच कल शून्य पर आउट हो गए थे। जो रूट कप्तान 200 बनाकर आए थे पिछले टेस्ट मैच में, उनके 33 रन हैं। 8 रन बेन स्टोक्स के हैं, 12 फिल पोप के हैं, और बेन फोक्स 2 रन, मोइन अली ने सबसे ज्यादा 43 रन बनाए हैं, लेकिन इंग्लैंड इस मैच में मुकाबला नहीं कर पाया। मदन जी, बड़ा डिबेट चलता रहा पिच को लेकर, खास तौर से विदेश से। जाहिर तौर पर इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बोला, लेकिन इंग्लैंड के साबिक खिलाड़ियों ने जरूर कहा कि यार इस तरह की विकेट पर आप खेल नहीं सकते। बस 3.5 दिन में मैच खत्म हुआ है, ये 4th दिन मैच खत्म हुआ है, और इस मैच में इंग्लैंड 300 रन नहीं बना पाया है, भारत ने 600 रन बनाए हैं। नहीं देखिए, ये डिबेट तो चलना ही था, क्योंकि देखिए विकेट जो है टर्न जरूर कर रहा था। मैंने पहले भी कहा कि भारतीय टीम ने इस कंडीशन में ज्यादा बेटर बैटिंग और बॉलिंग की है, जो कि मेरे को लगता है कि इंग्लैंड जो थी वो पहले दिन ही विकेट को देखकर लंच से पहले ही जब गेंद टर्न शुरू कर दिया, वहां ही उन्होंने अपने हथियार डाल दिए थे। बिल्कुल, मेरे को नहीं लगता था कि ये इस विकेट के ऊपर बैटिंग कर पाएंगे, क्योंकि जब आपका माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि गेंद टर्न कर रहा है, और इन्होंने गलतियां भी बहुत की हैं इसमें जब बैटिंग कर रहे थे। देखिए, आप अक्षर पटेल को अगर आप स्वीप करते चले जाएंगे आपके चांसेस है आउट होने के। अगेंस्ट द स्पिन अगर आप आपको भी मालूम है कि जब आप अगेंस्ट द स्पिन स्वीप करते हैं तो गेंद का ऊंचे जाने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इन्होंने गलतियां जरूर की हैं इस टेस्ट मैच में, और वो इतना अच्छा अप्लाई भी नहीं कर पाए इस ऐसी विकेट के ऊपर। अच्छा, बड़ा सवाल ये है, डेफिनेटली मैं समझता हूं कि भारत के जी बड़ा सवाल तो, लेकिन अब ये हो गया कि मैन ऑफ द मैच कौन होगा? रोहित शर्मा, जिन्होंने वो 161 रन की पारी खेली, और शायद वो पारी ना होती तो भारत कितने रन नहीं होते, या फिर रविचंद्रन अश्विन? मैच में 8 विकेटें हैं, सेकंड इनिंग में 100 भी है। हाँ देखिए, मैं डिफिकल्ट है ये डिसीजन, पर मैं डेफिनेटली देखिए अगर आप रोहित शर्मा को देखते हैं, उन्होंने ऐसी क्रूशियल पारी खेली है इस विकेट के ऊपर, तो वो भी एक डिजर्व करते हैं। और अश्विन के देखिए, अश्विन ने भी 100 बनाया है, डिफिकल्ट विकेट ही है, पर क्योंकि जिस वक्त पे जो आया था वो बैटिंग करने के लिए, वहां पे मेरे ख्याल 6 या 7 आउट हो चुके थे भारतीय टीम के, पर उसके साथ साथ उसकी विकेट्स भी हैं। पर मैं समझता हूँ कि दोनों ही डिजर्व करते हैं, पर जो भी डिसाइड करेगा उनको चाहिए, लेकिन देना तो एक ही होगा शायद। हाँ, एक मैन ऑफ द मैच। हाँ देखिए, अगर मेरे से पूछे तो मैं समझता हूँ कि एक मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को होना चाहिए, जैसे उन्होंने बैटिंग की है पहले नहीं है। चलिए ठीक है, मदन जी कह रहे हैं रोहित शर्मा को, लेकिन जबरदस्त कामयाबी भारत की, और जबरदस्त इसलिए है बिकॉज देखिए, आप जब विदेशी टीम से पहला टेस्ट मैच घर पे हारते हैं, आप पे बड़ा प्रेशर हो जाता है, बड़ा दबाव हो जाता है, लेकिन भारत ने उस दबाव को ना सिर्फ झेला है बल्कि उल्टा चेन्नई का हिसाब चेन्नई में ही बराबर कर दिया। ये तो होना ही था, अंग्रेजों का हश्र मैच के पहले ही दिन लिख दिया गया था। चेन्नई का हिसाब चेन्नई में बराबर हो गया। हाँ, इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटरों ने
पिच को लेकर खूब हो हल्ला मचाया, लेकिन इंडिया और इंडिया के खेल ने बार बार बताया कि पिच पर कोई जिन नहीं बैठा था, उसके बल्लेबाजों को स्पिन खेलने का हुनर नहीं आता तो इंडिया क्या करे। चेन्नई का बदला चेन्नई में, इंडिया आया वर्ल्ड चैंपियनशिप की रेस में। मैच के तीसरे दिन टीम स्वाहा हो चुके थे, जीत तो पक्की थी ही, बस देखना ये था कि इंग्लैंड 482 के पहाड़ के आगे कितनी देर टिकता है। मगर वो टिक ना सका, लंच ब्रेक तक ही उसके 6 विकेट धराशाही हो गए। इसके बाद तो कोरम था जो पूरा किया जाना था, भारत ने वो भी कर दिया। ये भारत के जज्बे की जीत है, ये भारत के हुनर की जीत है। याद कीजिए टेस्ट का पहला दिन, पहले ही गेंद से पिच पर टर्न था, फिर भी रोहित राशन पानी लेकर इंग्लैंड पर चढ़ गए। उनकी 161 रनों की पारी और रहाने के साथ 162 रनों की साझेदारी ने इंग्लैंड के सपनों को चकनाचूर कर दिया। अश्विन का वो पंजा जिसने कसा शिकंजा, जो रूट एंड कंपनी की बची खुची उम्मीदों को अश्विन ने अपने पंजे से पस्त कर दिया। पहली पारी में उन्होंने सिर्फ 43 रन देकर 5 शिकार कर डाले, नतीजा इंग्लैंड 134 पर लुढ़क गया था। जिस पिच को अंग्रेजों ने अनफिट बताया, उस पिच पर अश्विन ने शतक जमाया। अश्विन के शतक का ये अंग्रेजों और उन सब लोगों के मुंह पर अश्विन का तमाचा था जिन्होंने इस पिच को अनफिट कहा था। अखाड़ा बोला मैच के तीसरे दिन 8वें नंबर के बल्लेबाज ने शतक जड़ दिया और इंग्लैंड ने बहाना बनाने का मौका भी छीन लिया। पहले मैच में 0-1 से पिछड़ने के बाद ये भारत का करैक्टर टेस्ट था। टीम ने ये टेस्ट टनाटन पास किया। आज तक ब्यूरो, बस कुछ पल में पता चलेगा कि मैन ऑफ द मैच कौन है, रोहित शर्मा है या रविचंद्रन अश्विन है। लेकिन आज सुबह इंग्लैंड को हार दिख रही थी, 3 विकेट उनकी कल ही गिर चुकी थी, 3 विकेट कल गिर चुकी थी पहले सेशन में 4, और लंच के 25 मिनट के बाद बाकी 3 विकेट भी गिर गई। 12:35 पर भारत को ये कामयाबी मिली है। ये देखिए, ये कल की विकेटें हैं, एक एक कर मैं आपको सारी विकेटें दिखाता हूं। रोनी बर्न्स ये भी कल ही आउट हो गए थे, 482 रन कहां बन गए थे, 2 दिन बैटिंग भी नहीं हो सकती थी। ये हकीकत है कि विकेट इतना आसान नहीं था। ये उन्होंने नाइट वॉचमैन जैक लीच को कल भेजा था, लीच कल ही आउट हो गए। तो 53 आउट, तीसरे दिन शाम को इंग्लैंड का स्कोर था वो आ जाए। ये आज की पहली विकेट, अश्विन ने पहला ही गेंद डाला था, लॉरेंस कूद गए। चौथा विकेट, उसके बाद रूट और बेन स्टोक्स खड़े रहे। इंग्लैंड का सबसे तजुर्बेकार पेयर, he's bowled it wide down the leg side. और अश्विन, ने 10वीं बार बेन स्टोक्स को टेस्ट क्रिकेट में आउट किया। यहां से सारे दरवाजे तोड़ दिए भारत ने, क्योंकि इंग्लैंड के पास ना हौसला था ना ही इस ट्रैक पर खेलने का स्किल। गेंद की सीम पोजीशन देखिए, टर्न के लिए खेले लेकिन गेंद अंदर आया, इनसाइड एज, और कप्तान साहब का शानदार कैच। Short sweep in the air and should be taken by Ishan Sharma. So change of ends has worked for Akshar Patel. अक्षर पटेल को आज अपने टेस्ट डेब्यू में 5 विकेटें मिली है सेकंड इनिंग में। अक्षर पहला टेस्ट मैच नहीं खेले थे, मैच से एक दिन पहले उनको चोट लगी थी, शाहबाज को बुलाया गया था, भारत वो मैच हार गया। कुलदीप को गेंद थमाया गया, हालांकि जो रूट का कैच उनकी गेंद पर छूटा था, लेकिन उसके बाद कुलदीप ने लंच से आखिरी गेंद पर यह पहला विकेट अपना लिया। सात विकेटें लंच पर गिर चुकी थी। लंच के बाद तो फॉर्मेलिटी थी। ये देखिए, एक एक कर जो रूट का विकेट था, जो रूट को दोनों पारियों में आउट किया अक्षर पटेल ने, एक्स्ट्रा बाउंस।
रूट ने बनाए 33 रन. शतकों का जो सिलसिला था वो भी टूट गया. अनप्लेबल गेम. In disbelief, isn't he? I mean, even the great Joe Root, the way he's playing, even he can't quite keep this one out. ये आखिरी विकेट मोइन अली स्टंप. कुलदीप को दो विकेट मिले. तीन अश्विन, पांच अक्षर पटेल. 317 रन से भारत की जीत है. पिंक बॉल टेस्ट मैच. अब जैसे मदन जी से बात हो रही थी, वहां पर कंडीशंस थोड़ी अलहदा होंगी. यहां पर आपने चेन्नई में टर्निंग ट्रैक बना लिया क्योंकि ड्राई विकेट आपने छोड़ दिया. ऊपरी सतह को थोड़ा आपने हल्का छोड़ दिया, उससे पपड़ी बंदी शुरू हो जाती है और स्पिनर्स का रोल रहा. लेकिन रोहित ने जिस तरह पहली इनिंग में पहले दिन बैटिंग की, या उनके साथ रहाणे ने की या ऋषभ पंत ने की, वहां जहां भारत ने 329 रन बना लिए थे, ये लग गया था कि ये रन काफी है. इंग्लैंड कोलैप्स हुआ, फिर विकेट को लेकर बड़ी मदन की चर्चा हुई. सेकंड इनिंग में फिर कल इंडिया ने 286 रन बनाए. कल एक दिन में 299 रन बने. विकेट खराब है लेकिन ऐसा नहीं था जहां पर आप बैटिंग नहीं कर सकते. और ये एक थ्योरी है मदन जी, जब आप इंग्लैंड जाते हैं, न्यूजीलैंड जाते हैं, आपको सीमिंग ट्रैक मिलते हैं. आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते थे, आपको क्रैक्स वाली हार्ड विकेटें वहां पे भी मिलती हैं, जहां पर ना सिर्फ आपका स्किल का इम्तिहान होता है बल्कि आपको गेंद लगने का डर भी रहता है. यहां पर आपकी स्किल का इम्तिहान है. और अगर आप टॉप क्लास टीम है, आप ऑल कंडीशन टीम है, तो फिर आपको यहां पर आकर बैटिंग भी करनी थी और इंग्लैंड के स्पिनर्स को यहां आके बॉलिंग भी करनी थी. बिल्कुल सही कहा विक्रांत. कौन सी कंट्री है जो अपनी कंडीशन को यूज नहीं करती? या ये तो सदियों से चलता आ रहा है. जब हम खेलते थे तब भी हमने अपने कंडीशन यूज किए हैं, और बाहर जाकर जब हम जाते थे बाहर, तो तब भी जो उनके होम टीम होती थी वो अपनी कंडीशन यूज करती थी. इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है. आपको आपको अप्लाई करना है, टेम्परामेंट दिखाना है. जैसे भी विकेट हो, आपको बैटिंग वहां पे करनी आनी चाहिए. और ये एक स्किल होती है जहां पे आप बैटिंग करते हैं ऐसी ऐसी विकेटों के ऊपर. डेफिनेटली जो विकेट था टफ था, पर हमारे बल्लेबाजों ने भी जो है बैटिंग की है उसमें. और उनका जो बैटिंग करने का स्टाइल था हमारा, वो ज्यादा बेहतर इसलिए था कि जो भी बॉल उनको मिला, उन्होंने उस बॉल के ऊपर रन भी बनाए और अटैकिंग क्रिकेट भी खेला. कल भी अश्विन ने बड़ा अटैकिंग क्रिकेट करा, विराट कोहली ने बड़ा अटैकिंग बैटिंग की है कल. तो ये एक माइंडसेट होता है कि आप कैसे इस ऐसी विकेट के ऊपर अप्लाई करते हैं. और ये बात सही है विक्रांत कि शुरू शुरू में 5-10 मिनट आपको थोड़ा सा लक चाहिए कि ताकि आपको गेंद ऐसा ना पड़ जाए जिसमें ऐसे लगे बैट हो जाए या बैट पैड हो जाए. ये थोड़ा सा आप विराट के साथ, किसी के साथ भी होगा. आपने देखा होगा रोहित शर्मा के साथ हुआ शुरू शुरू में, जो एक बॉल जो स्लिप के पास गया था बेंच स्ट्रोक के पास. ये होगा ही होगा ऐसी विकेटों के ऊपर. पर डेफिनेटली मैं समझता हूं कि इस मैच में अगर आप देखें तो भारत ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है. अब इंडियन टीम डिजर्व करती है ये टेस्ट मैच जीतने को. तो ये सब कुछ जो भी हुआ है, मैं समझता हूं कि इस प्योर स्किल के साथ हुआ है. भारत टीम ने एक हफ्ते का गैप है मदन जी, चेन्नई टेस्ट मैच में दिखाई एक हफ्ते का गैप है. उसके बाद तीसरा टेस्ट मैच, और तीसरा टेस्ट मैच जब आप 1-1 तीसरे टेस्ट मैच में जाते हैं, वो सीरीज सेटअप आप कर चुके हैं, लेकिन अब सीरीज में आगे कौन पीछे कौन, वो तीसरे टेस्ट मैच में डिसाइड होना है. चूंकि पिंक बॉल टेस्ट है, चूंकि पिंक बॉल टेस्ट में स्पिनर्स के लिए शायद वो चीज नहीं होगी जो यहां पर आपने देखी है. जो पिंक बॉल यूज होता है एसजी का, उसका लैकर भी थोड़ा ज्यादा होता है, वो गेंद इतना टर्न नहीं होगा. प्लस आपको विकेट पे घास छोड़ना पड़ता है गेंद के रंग के लिए. दो सेशन शाम को होते हैं, एक सेशन दिन में होता है. क्या इंग्लैंड वापसी कर सकता है, या फिर मनोवैज्ञानिक तौर पर आपने उनके जहन में सवाल डाल दिए हैं बहुत ज्यादा? नहीं देखिए, ये डिपेंड करता है कि अहमदाबाद में विकेट कैसी बनती है. बिल्कुल जैसे आपने बताया कि पिंक बॉल का जो बिहेवियर है बिल्कुल अलग सा होता है, क्योंकि दो सेशन जो है शाम को होते हैं और एक सेशन जो है दोपहर को होता है. तो ये थोड़ा सा कंडीशन बिल्कुल एकदम चेंज होगी. पर यह है कि इंग्लैंड टीम कैपेबल है, ऐसा नहीं है कि आप उसको कमजोर आंक सकते हैं. इस टेस्ट मैच से भी उनको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, और उनके पास ऐसे बैट्समैन हैं मैंने देखे हैं कि जो कि बैटिंग कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है. और बॉलिंग अटैक भी उनके पास अच्छा है. पर भारत को यहां पे स्तर रहना होगा, क्योंकि देखिए भारत के लिए थर्ड टेस्ट मैच जीतना और वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करना भी बड़ा जरूरी है. तो अगर देखें तो भारतीय टीम अच्छी विकेट पे भी ज्यादा अच्छा खेलती है. जैसे शुभमन गिल हुए या रोहित शर्मा हुए, विराट कोहली, जितना ज्यादा अच्छा बाउंस होता है उतना ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करता है. हमारे पास पेस अटैक भी है, स्पिनर हमारे पास वर्ल्ड क्लास है. तो हमारी टीम एज ए ऑलराउंड बैलेंस टीम है. बट डेफिनेटली मैं कहूंगा कि भारत को थोड़ा सा रहना होगा, क्योंकि रहना होगा क्योंकि बिल्कुल क्योंकि जो भी है एक एक है ये
2-0 में भारत 2-0 से लीड नहीं कर रहा है, 1-1 है, पहला मैच हारा भी है। खैर अहमदाबाद में कंडीशंस थोड़ी अलग होंगी, अलहदा होंगी, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि शाम 7:30 बजे सुनील गावस्कर, हरभजन सिंह, मदन लाल हमारे साथ रहते ही हैं। आपके लिए मौका है, आप अपने सवाल और अपनी राय भी रख सकते हैं कहां पर, हमारे YouTube चैनल स्पोर्ट्स तक पर। अभी के अभी क्वेश्चन आंसर सेशन है, आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube पर जाकर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कीजिए और लाइव जुड़िए हमारे साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए यहां पर। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।